एक दल नहीं, दल के साथ दल, दल के साथ दल। जब दल के साथ दल हो तो दल दल हो जाता है, दल दल हो जाता है। और जितना ज्यादा दल दल होता है उतना ज्यादा कमल खिलता है। 21 जुलाई को यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने जिस दलदल से विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा था, अब वही दलदल एनडीए को भी परेशान कर रहा है। कमल खिलने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। बिहार में एनडीए की अहम सहयोगी रही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मोदी के धुर विरोधी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद एनडीए और मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे अहम सहयोगी एलजेपी ने भी बीजेपी की छींछा लेदर शुरू कर दी है। देश की सियासत में मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने तो हद ही कर दी है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद चिराग राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांधने लगे हैं। एनडीए में मचे इस घमासान पर आरजेडी चुटकी ले रही है। देखिए, पासवान जी क्या करेंगे, निर्णय तो उनका होगा, लेकिन हमने जो महसूस किया है कि छोटी पार्टियों को किसी तरह से क्रश कर दो, बर्बाद कर दो, इनकी यह कोशिश है। अब उस कोशिश में स्वाभाविक रूप से एलजेपी भी पिसी जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इन विभिन्न राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से रणनीति उन्होंने बनाई और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, वो कहीं ना कहीं तो अच्छा तो रहा ही है। जिस आधार पर हम लोगों ने गठबंधन में हम लोगों ने सहयोग दिया, जिस आधार पर हम लोग इस अलायंस में हैं, उनको आपको एड्रेस करने की जरूरत है। बिना तलखी दिखाए हुए आवेंगे, सब जगह घूम फिर करके उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह कन गए, नहीं मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी कन गए तो इतनी उपेक्षा हो गई, तो लोगों को बता दिए से भाई है तो तलखी बोल रहे थे, अब आ गए इधर। उसी तरह से पासवान जी भी आवेंगे। अरे भाई, क्या स्थिति है उनकी उस दल में, कोई पूछ रहा है तो इसलिए जाएंगे कहाँ, घूम फिर कर सब लोग को आना है, तो इसलिए वो उनका लड़का चिराग पासवान है से तलखी दिखा रहे हैं, इधर आने का उपाय रख है। बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ बिहार में ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी उसकी अहम सहयोगी शिवसेना लगातार उससे आंख दिखा रही है। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में मुख्यमंत्री फडणवीस समेत सूबे के नेताओं से भविष्य के गठबंधन पर चर्चा की, तो आज शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 155 सीटों की मांग कर बीजेपी की सांसें फुला दी हैं। उधर एनसीपी नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो एनडीए में जारी रस्साकशी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि समविचारी पक्षों का गठबंधन महाराष्ट्र में लगभग तय है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं और हमारी आशा भी ये है कि हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर भी जुड़ जाए। ऐसा है कि इनका गठबंधन तय है, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तय है, वो हनीपुर पे निकलने वाले हैं। लोगों को ये बताना कि मैं शादी ही नहीं कर रहा हूँ, उनको लगता है लोग ऐसे ही फंस जाएंगे। लोगों को सब मालूम है शादी कब करने वाले, हनीमून कब जाने वाले, सब तैयारी हो चुकी है। गठबंधन का आलम दूसरी तरफ भी वैसा ही है। कर्नाटक में 7 महीने पहले विपक्षी एकजुटता की जो नुमाइश हुई थी, आज अल सुबह आई एक खबर ने उसे खोखला कर दिया। सूत्रों की माने तो यूपी में मायावती और अखिलेश ने महागठबंधन की डील सील कर ली है और आपस में टिकटों का बंटवारा भी कर लिया है। डील के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। गठबंधन में अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए 3 सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी से इतर कुछ भी नहीं मिला है। साफ है कि महागठबंधन ने यूपी में कांग्रेस को आउट कर दिया है। बुआ बबुआ की जोड़ी ने खुले तौर पर राहुल गांधी की रहनुमाई को खारिज कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी ने गठबंधन का फैसला किया है, अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी गई। मीडिया में खबरें सुर्खियां बनी तो महागठबंधन के नेता बगलें झांकने लगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस भी डील के सील होने पर आश्चर्य जताने लगी।
देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा गठबंधन कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ किया कि हम ऐसा फार्मूला निकालेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को हम बदल पाए। मुझे लगता है कि इस संकेत से कोई बहुत बड़े माने नहीं निकालना चाहिए। आपको कांग्रेस से और राहुल गांधी के किसी स्टैंड से लगा कि हम लोग डरने वाले लोग हैं? हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। मोदी विरोधी खेमे में मची सियासी रार की असली वजह 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत है। तमाम कोशिशों के बावजूद एसपी और बीएसपी को कामयाबी नहीं मिली। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस को लेकर मायावती का दर्द भी जुबा पर आ ही गया। अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद यूपीए के पुराने सहयोगी भी राहुल की पीठ थपथपा रहे हैं। डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने तो बाकायदा राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी, लेकिन इस घोषणा ने एसपी बीएसपी समेत उन सभी पार्टियों को नाराज कर दिया जिन्हें राहुल की रहनुमाई मंजूर नहीं है। अब ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। महागठबंधन के नेता राहुल गांधी होंगे ये हम नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में तो नहीं होंगे। देन यू आर सीन एज हाउ नो नो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को यूपी के लड़के बताने वाले अखिलेश यादव ने बीजेपी से करारी हार के बाद कांग्रेस का मुंह छोड़ दिया था, लेकिन गठबंधन के सवाल पर वो अक्सर बचते रहे थे। अब जबकि 2019 के रण में महज 3 महीने शेष हैं, सभी पार्टियां लाल किले पर अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। छोटे छोटे दल भी अपनी हैसियत बढ़ाने में जुट गए हैं, यानी सभी खेमों में